हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, और बिना एनसीईआरटी के जो मुझे लगने लगा है कि आप कोई भी विषय का बेसिक नॉलेज नहीं सीख पाओगे। आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा पहला दिन है, आज हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों इकोनॉमिक्स को, ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं, ये हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, और ये भी है कि आपका इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी वीक है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। और मैं दोस्तों ज्योग्राफी आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा का पूरा ज्योग्राफी मैं कवर किया हूँ, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, और आज जो है क्लास 9th का पहला चैप्टर गया। और एक दिन में हम लोग एक चैप्टर कवर करते हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी नया बच्चा है जो पहली बार स्टडी 91 पे विजिट कर रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाओ, आपको सभी विषय की एनसीईआरटी से संबंधित वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के पर्याप्त वीडियोज़ सीरियल वाइज दिए गए दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ चैप्टर पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के बारे में। हाँ, एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियोज़ के स्टार्टिंग में किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उस एडवर्टीजमेंट को आप स्किप मत किया करिए, आपसे विनम्र निवेदन है। इन चीज़ों के बदले में सिर्फ आपसे यही कहा जाता है कि प्लीज़ आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को स्किप मत करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा पहला चैप्टर, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। दोस्तों, आज एक गांव की कहानी है, उस गांव का नाम है पालमपुर, ठीक है। यह एक काल्पनिक गांव है, हकीकत में ऐसा कोई गांव नहीं है इस नाम का, और जहां की ये बातें कर रहा है, तो ये पालमपुर गांव की एक काल्पनिक कहानी है। उस काल्पनिक कहानी के माध्यम से आज बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आपको आदत हो ही चुका होगा कि एनसीईआरटी में किस तरह से विषय को शुरू करता है और अंतिम में आते आते तक में हमको क्या क्या सिखा देता है। आइए अवलोकन करते हैं गाँव का। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और एक ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम उत्पादन जो होता है, उत्पादन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं प्रोडक्शन से संबंधित, उन सभी विषय के बारे में पढ़ लेंगे, उन सभी फैक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। और उसके लिए हम एग्जाम्पल में क्या लेके चल रहे हैं, इस काल्पनिक गाँव को जिसका नाम है पालमपुर, ठीक है। तो एक काल्पनिक गाँव की भूमिका आपके सामने रखा जा रहा है, जिस तरह से गाँव होता है। दोस्तों, पालमपुर गांव में खेती जो है एक तरह की मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे वहां पे लघु स्त्री विनिर्माण मतलब छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयां भी हैं, वहां पे डेयरी भी है, वहां पे परिवहन आदि सीमित स्तर पर किया जाता है। नॉर्मल अगर किसी छोटे मोटे गांव को ले गो तो वहां आजकल ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है संसाधन क्या होता है। संसाधन माने होता है दोस्तों रिसोर्सेज। देखो, कोई भी काम करोगे आपको रिसोर्सेज चाहिए। सपोज करो मैं आपको कहूँ कि आप स्टडी 91 का ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए रिसोर्सेज क्या है आपके पास, चाहे आप कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, चाहे आप लैपटॉप के देख रहे होंगे, चाहे आप फिर आप मोबाइल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यही क्या है, यही रिसोर्सेज है, ठीक है। तो हमें हर एक काम करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित वस्तुएं या मानव प्रयास, मुद्रा, ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं उन संसाधनों को पूरा करने के लिए। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा, हमें यह ज्ञान होगा, यह पता चलेगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पालमपुर गांव में जो भी वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, आखिर वो कैसे प्रोवाइड होता है, इन सभी बातों में आज हमें जानकारी मिलेगा। परिचय बताता हूँ, पालमपुर के आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव जिसका नाम है रायगंज, ये पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, वो पालमपुर से बड़ा गांव है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो अगल बगल में दो गांव है, एक रायगंज गांव है और दूसरा शाहपुर है, और दोनों ही गाँव क्या है, पालमपुर से बड़े हैं। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि चलते हुए देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि उच्च जाति के 80 परिवारों की है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक गांव की जो हकीकत कंडीशन है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उस गांव में हैं तो 450 लोग, लेकिन उनमें से 80 परिवार के पास जो है ज़्यादातर भूमि किसके हिस्से में है, उस गांव की ज़्यादातर खेती, ज़्यादातर ज़मीन किसके हिस्से में है, इन 80 परिवारों के पास है।
बाकी बचे हुए कितने 370 परिवार, तो इन 370 परिवार के पास 20% है, मतलब 370 परिवारों में 20 पर जो है कम भूमि है और 80 परिवारों के पास ज़्यादा भूमि, परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद बता रहा आपको कि जिनमें से, अच्छा, उनके मकान बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये कुल गांव की जनसंख्या के मात्र एक तिहाई हैं, मतलब गांव में जो दलितों की संख्या है वो कितनी है, एक तिहाई है, और ये गाँव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, ठीक है, काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। उनके घर किसके बने हुए हैं, मिट्टी और फूस के। अधिकांश के घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, जहाँ जहाँ भी नलकूप लगे, नलकूप मतलब होता है ट्यूबवेल, ठीक है, खेतों में जहाँ जहाँ भी नलकूप लगे हैं वे सभी बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं और एक हाई स्कूल भी है। इसके अलावा गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी हॉस्पिटल भी है, तो जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। दोस्तों, एक का हमारे सामने प्रोफार्मा रखा कि एक गांव है, वहां की जनसंख्या 450 है, वहां की स्थिति बता रहा है कि 80 परिवार के पास कितनी भूमि है, ज़्यादातर भूमि 80 परिवारों के पास है, बाकी 370 परिवारों के पास थोड़ी कम मात्रा में भूमि है, ठीक है, ये गांव की कंडीशन दे रहा था। दूसरी कंडीशन दिया कि यहाँ पे जो दलित हैं ये एक तिहाई दलित हैं और गांव के एक कोने में रहते हैं, उनके घर जो दोस्तों वो बड़े बड़े और सीमेंट और ईंट के नहीं बने हुए हैं, छोटे घर हैं, घास फूस के बने घर हैं, ठीक है। और बिजली की बात करें तो ज़्यादातर घरों में बिजली है, चाहे वो अमीर वर्ग के हों चाहे वो गरीब वर्ग के हों, दोनों ही घरों में, और नलकूप जो सिंचाई का काम होता है वो नलकूप से होता है, ठीक है, यहाँ पर। और पालमपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है, एक आपका सरकारी अस्पताल है और एक आपका निजी अस्पताल है। ये आपके सामने एक प्रोफार्मा रखा, देखो दोस्तों धीरे धीरे बहुत कुछ समझा देगा, ये इकोनॉमिक्स है, आप खाली पढ़ते चलो, ठीक है। अरे यार, क्लास 9th आप पढ़ रहे हो, 9th, 10th, 11th और 12th, 4 ही क्लास तो आपको पढ़ना है, 4 क्लास आप पढ़ोगे, पता है 5 चैप्टर है, क्लास 9 में कितने चैप्टर हैं, मैक्सिमम शायद 5 या 4 ही चैप्टर ही है, ठीक है, तो 4-5 चैप्टर मतलब 4-5 दिन में आपका क्लास 9 समाप्त हो जाएगा, फिर क्लास 10th पे आ जाओगे, तो बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग 10-15 दिन में 20 दिन में ख़त्म कर देंगे इकोनॉमिक्स पढ़ के, तो आप खाली साथ में लगे रहो। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकास देखने को मिलता है। जो भी चीज़ें हम ऊपर पढ़े हैं दोस्तों उनके अनुसार क्या लगता है कि यहाँ पर जो है सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था है, परिवहन के साधन भी उपलब्ध हैं, बिजली भी है, सिंचाई भी है, विद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है, तो इन सब की उपलब्धता वहाँ पे है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव की उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। अगर आपके आसपास भी कोई गाँव है तो वहाँ देखिए क्या इस तरह की सुविधा है वहाँ पे। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी, और इसी पालमपुर के बारे में पढ़कर हम उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में जान सकेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। गांव, भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि रही। दोस्तों किसी भी गांव में चले जाओ तो वहां पे सबसे जो मूल चीज़ है वो क्या है, खेती। हर जगह जो है वहां के लोग कृषि पे डिपेंड हैं, ठीक है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, उसमें चाहे लघु विनिर्माण कर लो, छोटी छोटी दुकानें हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे मान लो लोहार की दुकान है, वहाँ पे क्या बना रहा है वो, ग्रिल वगैरह बना रहा है, दरवाज़ा वगैरह बना रहा है, बढ़ई की दुकान है वो अपना काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ छोटे छोटे विनिर्माण उद्योग हैं। इसके अलावा परिवहन है, दुकानदारी हो गया, तो ये सब चीज़ें भी शामिल है, लेकिन इनको हम गैर कृषि क्रियाएँ कहते हैं। ये क्या है आपकी गैर कृषि क्रियाएं। कृषि क्रिया में क्या क्या शामिल किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया हूँ। कृषि क्रिया में दोस्तों कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। पशुपालन में क्या है, यह भी आपकी कृषि में शामिल होता है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, जिसने इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर को तैयार किया है तो उसके अनुसार है कि आंशिक रूप से गिल्बर 18 के शोध के अध्ययन पर, ठीक है, इनका शोध हुआ है, और वो बता रहे हैं कि जो पालमपुर गाँव है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक जिले के एक गाँव की कहानी है, ठीक है। तो गाँव काल्पनिक है पालमपुर, लेकिन वहीं के एक गाँव की कहानी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ बुलंदपुर से भी बिलोंग करते होंगे। आइए देखते हैं उत्पादन का संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स के टर्म धीरे धीरे सिखाएगा, ठीक है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करना है,
वस्तुओं और सेवाओं। देखो हमेशा याद रखो हमारे देश में दोनों चीज़ों का उत्पादन होता है, वस्तुओं का भी सेवाओं के। अच्छा बताइए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक सेवा दे रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एक सेवा दे रहा हूँ। उस सेवा के माध्यम से आप क्या हो, चीज़ों को सीख रहे हो। तो ये क्या है, ये सर्विसेज है, समझ रहे हैं? एक वकील क्या देता है? सेवा देता है। एक डॉक्टर क्या देता है? सेवा देता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या देता है? सेवा देता है। एक इंजीनियर क्या देता है? सेवा देता है। ये अपने स्किल का प्रयोग करके, अपने स्किल, अपने कार्य कौशल का प्रयोग करके, अपनी कुशलता को प्रयोग करके ये क्या देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, सेवा कहलाते हैं। वस्तुओं में क्या होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक है दोस्तों, चाहे वस्तु हो और चाहे कोई सेवा हो, इनके लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं। तो दोस्तों मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या हमारे लिए भी इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? जी हां दोस्तों, कुछ भी हो, आप सर्विस प्रोवाइड करो, आप वस्तु बनाओ, ठीक है, आप निर्माण करो, आपको चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली आवश्यकता है भूमि। हाँ यार, ये बात तो सही किया, हम खुले आसमान के नीचे थोड़े काम करेंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, भूमि की, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। दूसरी आवश्यकता है श्रम। पहली आवश्यकता क्या आपकी, लैंड, लैंड माने भूमि। दूसरी आवश्यकता क्या है, लेबर, लेबर यानी श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, और कहीं शारीरिक काम की ज़रूरत है तो वहाँ थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत होती है। यानी प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए श्रम प्रदान करता है, आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या, हमें लैंड की ज़रूरत है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो लेबर की ज़रूरत है, जैसे हमें भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मटेरियल कोई को हमें ढूंढ के प्रोवाइड करेगा, इसके जो है टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे जो यहाँ पे वीडियो को अपलोड करेंगे, क्रॉप करेंगे। मान लीजिए मैं ज़्यादातर काम खुद ही करता हूँ, लेकिन अगर उस कंडीशन में अगर मैं करना चाहूँ तो ये कुछ दूसरे लोगों का काम होगा। यानी हमें लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, आप कोई भी काम करो, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की। चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर हमें मान लो मिठाई की दुकान खोलनी है, ठीक है, एक स्वीट शॉप खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय क्या होगा, एक लैंड चाहिए जहाँ पे हम लोग स्वीट शॉप खोलेंगे, बताइए। लैंड के साथ साथ एक लेबर चाहिए। लेबर क्या करेगा, लेबर दोस्तों हमारी मिठाइयों को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो लेबर चाहिए। तीसरा चीज़ क्या चाहिए दोस्तों, तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूँजी। भौतिक पूँजी मतलब आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आप अगर मिठाई की दुकान खोल रहे हो तो आप वहाँ पे काउंटर लगाओगे, आप वहाँ पे टेबल कुर्सी लगाओगे, आप वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक काटा वगैरह परचेज करोगे, आप जो है मिठाई के बॉक्स परचेज करोगे, मिठाई बनाने के लिए जो कच्चा माल होगा उसको भी खरीदोगे। बोलो, जैसे दूध दूध लाओगे तभी तो उसको जो है फाड़ के खोआ वगैरह बनाओगे। तो ये सारी क्या चीज़, इसके लिए क्या होगा, ज़रूरी चीज़ें, इसके लिए ज़रूरी है पूँजी। तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, लैंड हो गया दोस्तों, लेबर हो गया, बहुत इत्मीनान से समझते चलिए, लैंड हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल हो गया। बात समझ में आ रहा है, लैंड, लेबर और कैपिटल, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आदत, ठीक है, आगत, ये क्या कहलाते हैं, पूंजी। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? भौतिक पूंजी के अंदर क्या आता है? तो भौतिक पूंजी के अंदर, जैसे अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर मैंने बताया कि वहां पे स्किल लेबरों की भी ज़रूरत हो सकती है और नॉन स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, नॉन स्किल लोग हैं तो भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जहां जैसा काम आएगा, जहां जैसे कंप्यूटर पे जो काम करना है तो नॉन स्किल लोग कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। नॉन स्किल मतलब जो लेबर वर्क है, जो शारीरिक श्रम करेंगे वो नॉन स्किल वर्क भी कर सकता है, ठीक है। और भूमि तो सिंपल सी है, ठीक है। और अगर हम भौतिक पूंजी की बात करें दोस्तों, तो इसमें किसको किसको शामिल करते हैं, जैसे औजार हो गया, जैसे मशीन हो गया, भवन हो गया, ठीक है। यानी औजारों, मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें, चाहे जनरेटर ले लो, चाहे टरबाइन ले लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, मोबाइल ले लो, ये सभी के सभी क्या है, पूंजी हैं, ठीक है। हम भी लैपटॉप में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, पूंजी है, ठीक है। तो औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इसको दोस्तों अस्थाई पूंजी कहते हैं। यानी इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। कोई दिक्कत आपको, अस्थाई पूंजी, समझ गए ना, अस्थाई पूंजी जिसका इस्तेमाल कई वर्षों तक होता है। जैसे ऐसा नहीं ना कि रोज़ रोज़ मोबाइल खरीदना पड़ेगा। अब बात को समझिए, जैसे आपने मिठाई की दुकान अभी खोलने के लिए कहा था, तो मिठाई की दुकान के लिए अगर आप काउंटर परचेज करते हो या बनवाते हो, वहाँ पे फर्नीचर करवाते हो, आप वहाँ पे टेबल कुर्सी लगवाते हो, तो दोस्तों एक बार लगवा लिए तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अस्थाई क्या है, पूँजी है, फिक्स्ड कैपिटल है,
लेकिन आपको पर डे दूध खरीदना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको दूध खरीदना पड़ेगा। बताइए आपको प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, मिठाई बनाने के लिए जो और भी चीनी वगैरह लगता है, गैस वगैरह होता है, ये तो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका, ये जो है जैसे फिक्स्ड होता है, करेंट होता है, करेंट कैपिटल, ठीक है। तो ये रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए होंगी, तो ये फिक्स नहीं कराएंगे, ठीक है। ऐसे मैं बात करूँ दोस्तों कच्चा माल, ठीक है, यानी वही जो चीज़ें चीनी हो गया, दूध हो गया, गैस हो गया, हमारे लिए क्या कच्चा माल है, कच्चा माल और नगद मुद्रा, नगद मुद्रा। कच्चा माल के साथ साथ हमें नगद पैसा भी चाहिए, तमाम छोटी छोटी चीज़ें, रबड़ खरीदना है, ठीक है, मिठाई के बॉक्स खरीदने हैं, पॉलीबैग खरीदना है, तो ये क्या है आपके लिए, इसके नगद मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा, अब इसके बारे में क्या बता रहा है कि उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, सूत उसके लिए क्या है, कच्चा माल है। कुम्हार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मिट्टी, मिट्टी उसके लिए क्या है, कच्चा माल है, ठीक है। इसी तरह मिठाई के लिए कच्चा माल क्या हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कच्चा माल है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ऐसा नहीं कि बिना पैसे का प्रोडक्शन कर दो यार, कैपिटल तो चाहिए चाहिए, और कैपिटल में हमारे पास कैश भी होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश भी होना चाहिए, कैपिटल के साथ साथ हमारे पास कैश भी होना चाहिए, तभी हम जो है कोई काम कर सकते हैं। कच्चा माल तथा नकद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत आपको, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। आगे मैं समझाऊंगा वर्किंग कैपिटल निकाला कैसे जाता है, ठीक है, वो आपको सिखाऊंगा। तो इसको याद रखिए, जो कार्यशील पूंजी होती है, जो कच्चा माल होता है, नगद पैसा होता है, जो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए होता है, वो कार्यशील पूंजी। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। दूध सुबह आया, शाम को काम खत्म उसका, मिठाई बनी, बिक गया, लेकिन टेबल कुर्सी फर्नीचर ये सब रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए जो कार्यशील पूंजी की चीज़ें होती हैं वो एक समय के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी भी आवश्यकता होती है दोस्तों, लैंड लेबर कैपिटल के अलावा एक चौथी भी जरूरत होती है, वह क्या होता है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ एक योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता है, मतलब जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोला जाता है, जो व्यक्ति ये काम करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, मतलब जोखिम उठाने की क्षमता। अगर आप दुकान खोल रहे हो तो रिस्क बियर करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, कुछ नया करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, इनोवेशन करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं खोल देता है, कोई व्यक्ति ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं कर देता है, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है। आजकल इसी एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या बोलते हैं, आजकल इसे मानव पूंजी बोलते हैं, जिसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। दोस्तों अभी कल के हम लोग जीएस के डोज में मैंने पढ़ाया था आपको ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था दोस्तों किसी भी श्रमिक के शिक्षा, ज्ञान, उसके स्किल, उसके ट्रेनिंग कराने, इन सब चीज़ों पर अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसको भी हम मानव पूंजी मानते हैं, उसको भी हम ह्यूमन कैपिटल मानते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन कैपिटल के बारे में अच्छे से, ठीक है। ये कारखाना दिखा रहा है जहाँ पर कुछ श्रमिक जो है मशीनों पर कार्य कर रहे हैं। चित्र में उत्पादन, प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थाई पूंजी की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए, आप देख ही रहे हो, जमीन है, अस्थाई पूंजी है, सारी कुछ देख रहे हो। उत्पादन जो है दोस्तों, यानी उत्पादन के बारे में हम समझ गए हैं कि भूमि, श्रम यानी लेबर और कैपिटल को संयोजित करके संगठित होता है, और इसे ही उत्पादन का कारक कहा जाता है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चार मुख्य कारक हैं, ठीक है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में पढ़ेंगे और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय को हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। यहाँ पर हम पूंजी जो बात कर रहे हैं दोस्तों, उसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं पालमपुर में खेती से, क्योंकि अभी हमने कहा आपको पीछे कि हम लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भूमि क्या है। भूमि दोस्तों, भूमि स्थिर होता है। क्या भूमि बढ़ सकता है, क्या नहीं, भूमि का विस्तार नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। पालमपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख क्रिया है, ये शुरू में ही बताया गया। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग क्या वहाँ पे किसान हैं यानी कृषि श्रमिक हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन एक मूलभूत कठिनाई है,
खेती में प्रयुक्त भूमि वस्तुतः स्थिर होती है। दोस्तों बहुत बढ़िया यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। एक बार आप पूरा चैप्टर पढ़ के देखो, हमको तो बहुत मज़ा आया पढ़ने में। अगर आप पढ़ते चलोगे मेरे साथ तो बिलीव करो 15-20 दिन के अंदर ये आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है। तो खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। दोस्तों कहीं भी भूमि क्षेत्र में विस्तार नहीं हो सकता, ठीक है। भूमि बढ़ती थोड़े, अंडा थोड़े दे रही, क्यों बढ़ जाएगी? अरे भूमि जितना उतना तो स्थिर रहेगा ना। अगर आज आपके पिताजी ने 5 बीघा ज़मीन अपने पास रखा है तो कल ये 5.5 बीघा हो जाएगी क्या? नहीं, वो उतना ही रहेगा। इसका मूल्य बढ़ सकता है, ज़मीन का विस्तार नहीं हो सकता है, भूमि का विस्तार नहीं होता है, वह अस्थाई होता है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। हाँ, जो बंजर भूमि है उसको आप कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट कर सकते हैं। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर कोई नई भूमि ऑलरेडी वहाँ पे कृषि हो रही तो उसको क्या, उसको भी आप विस्तार कर सकते हो? तो नहीं, इसको विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की जो मानक इकाई है होती है उसको हेक्टेयर बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो यार हेक्टेयर फॉलो नहीं होता। यद्यपि गाँव में भूमि का मापन या तो बीघा से किया जाता है, गुंठा से किया जाता है। अरे आप अपने घर में सुने होंगे 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, ठीक है। इसके अलावा क्या बिस्सा सुने होंगे? बिस्सा, बिस्सा नहीं होता वो, एक्चुअली विश्वा होता है, विश्वा, ठीक है। तो 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है और 20 कट्ठा का 1 बिस्वा होता है, ये सारा चीज़ होता है। तो ये तो गांव के लेवल पे है, तो आपको फिलहाल हेक्टेयर में समझना है, ठीक है। जैसी क्षेत्रीय इकाई भी किया जाता है। दोस्तों हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर की भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ऐसे भी 100 100 100 चारों तरफ से क्या हो, बराबर हो, 100 100 100, तो इसको क्या बोलते हैं, ये 1 हेक्टेयर है। 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर चारों भुजाएं बराबर हो तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हेक्टेयर। अब आप गेस करिए कि 1 हेक्टेयर की भूमि आपके स्कूल में है या आपके घर के आसपास में कहीं देखने को मिलती है, तो आप समझिए क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए आप कि अगर हम कुछ ना करें, क्योंकि भूमि तो अस्थाई है तो कन्फर्म हो गया, क्या उसी भूमि से ज़्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, कोई तरीका बताइए, आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप सोचो दिमाग से। देखो इकोनॉमिक्स क्या है ना, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है ना तो रटना नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश किए तो फिर भूल जाओगे। और ये भी बता दूं, इकोनॉमिक्स किसी को याद नहीं रहता। इकोनॉमिक्स को समझो, इकोनॉमिक्स आपके दिल की भावना बताएगा। दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है, अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें हमने क्या नया पढ़ा दिया? इसने कहा कि भूमि का विस्तार नहीं होता, आपको भी पता है कि भूमि का विस्तार नहीं होता, तो आपने सीखा क्या, कुछ नया सीखा क्या? नहीं। उसने बताया कि उत्पादन के लिए जो प्रमुख फैक्टर है भूमि है, लेबर है, कैपिटल है, बताओ इसमें नया क्या है? ये तो चाहिए चाहिए ना, आप ही अपने दिमाग से पूछ लो कि अगर हमें दुकान खोलना हो तो क्या ये मूलभूत 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो आप बोल सकते हो। उसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है आपके पास? अगर है तो अपने मन में सोचे रहिए, अगर नहीं है तो फिर देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि बुलंदशहर के एक गांव से इसकी तुलना की गई है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। जहाँ दोस्तों गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम आने वाला होता है भाई, बरसात के बाद क्या होगा, खरीफ के बाद जो है ज्वार बाजरा ज़्यादातर आप देखोगे तो ये मोटे अनाज में आता है और ज़्यादातर पश्चिमी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा मौसम जो है गर्म रहता है, जलवायु वहाँ की गर्म रहती है, वहाँ पे ज्वार बाजरा ज़्यादा। तो राजस्थान वगैरह हम जाओगे तो ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। इन पौधों को पशुओं के चारों के प्रयोग में भी लाया जाता है। भाई ज्वार बाजरा कौन खाएगा, जाहिर सी बात है गाय भैंस जो होंगे घर पे वही खाएंगे। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सब पालमपुर की कहानी बता रहा आपको, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में गेहूं को उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान जो है क्या करता है, पास के जो रायगंज गांव था, बड़ा गांव था, उस रायगंज की मंडी में ले जाकर के बेच देता है। आज भी गांव में यही होता है, जो भी उत्पादन होता है किसान अपने लिए
स्टोर कर लेता है, बाकी को ले जाके सेल कर देता है मार्केट में। ठीक है, भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है। कहीं कहीं पर लोग गन्ने की खेती करते हैं जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। दोस्तों गन्ना कितने समय के लिए होता है, तो एक साल दोस्तों इसको खड़ा करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा गन्ना की पैदावार लोग कम करना चाहते हैं। ठीक है, गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है, शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। दोनों मैंने बताया था, दोनों गांव हैं आसपास के। पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग अलग फसलें पैदा करता है। अभी हमने पीछे बताया आपको, एक तो आलू पैदा कर रहा है, दूसरा गेहूं पैदा कर रहा है, और तीसरा क्या है, गन्ना पैदा कर रहा है। तो तीन अलग अलग फसलें पैदा कर रहा है पालमपुर का किसान, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। मैंने पहले ही बताया था वहाँ पर नलकूप है, बिजली भी अच्छी खासी आती है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, तो सिंचाई कर लेता है। पालमपुर में बिजली भी जल्दी ही आई थी, आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुआं और रहट से द्वारा पानी निकालते थे, लेकिन बाद में जब उनको इनके बारे में पता चला तो उन्होंने बिजली का उपयोग देखा और बिजली से चलने वाले नलकूप मतलब ट्यूबवेल को देखा, और उनको ये पता चला कि ये ट्यूबवेल ज़्यादा प्रभावकारी हैं। तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, थोड़ा सा एडवांस किया, ठीक है, और ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए। हालांकि प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, कुछ ट्यूबवेल सरकार ने लगवाए थे, लेकिन जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने के प्रारंभ जो खरीद लिए, ठीक है, और उन्होंने लगा भी दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1970 के दशक के मध्य 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक है, अब भाई ज़्यादा लोगों के पास नलकूप आ गया तो लोग आसानी से सिंचाई भी करने लगे। तो कहने का मतलब पालमपुर में जो खेती की व्यवस्था देख रहे हैं वो काफ़ी ठीक ठाक चल रही। लेकिन हमारा पीछे क्वेश्चन था कि हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएँ और हमको सीखना है। ये तो कंडीशन बता रहा है, जो पालमपुर की कंडीशन है आपको विकास करना है। और यहाँ पर भारत में सभी गाँवों में ऐसी ही उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे गाँव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, लोग पूरी तरीके से डिपेंड हैं नहरों पर, और जहाँ पे नलकूप हैं पता चला वहाँ बिजली की बहुत समस्या होती है, तो उस नलकूप को जनरेटर से चलाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लागत अधिक आ जाती है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सिंचाई अच्छी खासी होती है। इसके विपरीत जो पठारी क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। आज अगर एक डेटा पे हम लोग बात करें तो सिंचाई कितने क्षेत्र पे होती है, केवल 40% ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सिंचाई के कार्य होते हैं। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर वर्षा अच्छी हुई है तो हमारे देश में उत्पादन भी अच्छा होगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर 40% ही खेती को हम जो है सिंचाई प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो बाकी 60% खेती क्या करेंगे, वहाँ प्रोवाइड नहीं होगी तो वो तो खेत खराब हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे, वहाँ पे उत्पादन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी 60% लोग किस पे डिपेंड हैं, वर्षा पे डिपेंड हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्या बोल रहा है, एक साल में यदि एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल आपने पैदा किया, जैसे पालमपुर क्या कर रहा है, तो पालमपुर आलू के साथ साथ आलू उगाया, फिर मौसम बदला तो गेहूं उगाया, फिर मौसम बदला तो आ गया गन्ने पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा ना ये सारी चीज़ें, यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। ठीक है, पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसल तो पैदा ही करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है दोस्तों, तो वहाँ पे गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, आलू है, ये सारी चीज़ें बोई जाती है। आइए चर्चा करें, तो चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे, चर्चा आप खुद ही से कर लीजिएगा। ठीक है, चर्चा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों कृषि क्षेत्र दिखा रहा है। ठीक है, तो जो कृषि क्षेत्र 1950 में था, मान लो कुछ बंजर भूमि को शामिल कर लिया गया, तो ये अब बढ़ेगा थोड़े नहीं, ये 140 ही रहेगा, ये कृषि क्षेत्र उतना ही रहेगा जितना था, ये बढ़ेगा नहीं। हाँ, इससे प्रोडक्शन आप कितना बढ़ा ले जाते हो ये बड़ी बात है, इससे प्रोडक्शन कितना बढ़ा ले जाते हो वो बड़ी बात है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर जो है नीचे दिया है बॉक्स, उसको कह रहा है भरने के लिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका क्या है, बहुविध फसल प्रणाली है। तो हमारे यहाँ भी ये फॉलो होता है, बहुविध फसल प्रणाली, हम एक पे डिपेंड नहीं रहते हैं, एक के बाद एक करते रहते हैं। ठीक है, कभी गेहूं बोया, फिर कभी गया धान बो दिया, कभी सब्जियां बो दिया, कभी गन्ना हो गया, कभी दाल हो गया, अरहर हो गया, तो अलग अलग चीज़ बोते रहते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। अगर हम आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करें तो भी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही, सुनिएगा ध्यान से, उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था, पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं से अब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इकोनॉमिक्स समझ नहीं पाओगे और बोर तो एकदम मत हो। कुछ लोग कहते हैं सर मज़ा नहीं आ रहा है, सर रस नहीं आ रहा, रस देने बैठा हूँ, गन्ना पेर रहा हूँ मैं, रस दूँ आपको? अरे पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ो, ठीक है, रस मत लो, इतने ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, आप भी अपनी ईमानदारी से पढ़िए, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, मेहनत करो, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, मुझे लगता है यार मैं वीडियो बना बना के परेशान हो गया और आप लोग पढ़ नहीं पाते होंगे, 4-5 वीडियो तो आप पढ़ ही नहीं पाते होंगे। चलिए जो भी हो, मेरा काम है ईमानदारी से अपना काम करना, आपका काम है ईमानदारी से पढ़ना, आप पढ़ो तो ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ बता रहा है कि 1960 के दशक के मध्य खेती में पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ये पारंपरिक बीज क्या होते थे दोस्तों? तो पारंपरिक बीज जो इस्तेमाल होते थे, ये नॉर्मल, जैसे एक हमने क्या किया कि खेत में कुछ बोया, बोने के दौरान उसी में से कुछ बीजों को अलग अलग दिया, अगले बार जो है इन्हीं बीजों से फिर से बोया, तो फिर से उसमें से कुछ बीज बचा के रख लिया, अगले बार फिर से बोया, इसको बोलते हैं, जिसको गाँव में चले जाओगे तो बेंगा बोलते हैं, बेंगा, ठीक है, खैर अलग बात है वो सब। तो यहाँ कह रहा है कि जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी, दोस्तों जहाँ पे भी पारंपरिक बीजों से बुआई का काम चलता था वहाँ पे जो उपज होते थे, जो उत्पादन होती थी वो अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, अगर इनको कम पानी भी मिला तो भी काम चल जाता था, ठीक है। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे और उसी से जो है खेत का उपजाऊपन बना रहता था। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध था और इनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति जब आई, तो हरित क्रांति कौन लाया था? MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, याद रखें। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, जिसको HYV कहते हैं, हाइब्रिड तरह के बीज के द्वारा, जो जैसे गेहूं हो गया इसमें भी हाइब्रिड आता है, चावल, हर तरह के हाइब्रिड बीज जाने लगे, ठीक है, तो इनकी खेती करने के तरीके सिखाएं। परंपरागत बीजों की तुलना में HVI मत बोल दीजिएगा, ठीक है, HVI, ठीक है, तो HYV, हम खुद ही गलत बोल रहे हैं तो आपको कहाँ से बोलें, HYV हाइब्रिड, हम भी कहें यार क्यों गड़बड़ हो रहा है, HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा उपज जो है प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, जब हरित क्रांति आ गया तो आधुनिक कृषि के तरीके में भी बदलाव हो गया, जैसे बहुत सारा चीज़ बदला हुआ, लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया, अधिक उपज वाले हाइब्रिड बीज खरीद लिए, उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, खाद वगैरह का, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, नहरों का भी जाल बिछाया गया, पंप सेट से लोग कर लेते थे, जगह जगह बांध बनाए गए, तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। आगे दिखाता हूँ, तो क्या हुआ कि जब हम हाइब्रिड तरह के बीजों का इस्तेमाल करने लगे तो जो उत्पादन था, जो अनाज था, उसका मात्रा ज़्यादा पैदा होने लगा, परंपरागत बीजों से ज़्यादा पैदा होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, और हम शुरू से ही क्या प्रयास कर रहे थे कि उत्पादन किस तरह से बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ा। कैसे? एक तो बहुविधि फसल लगा करके, मतलब एक ही वर्ष में कई तरह के फसल लगाओ, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या बना? ऑप्शन 2 ये बना कि आप हाइब्रिड तरह के बीजों का इस्तेमाल करो। यद्यपि अति उपज प्रजाति वाले बीजों को अधिक उपज उपजाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। क्या समझ रहे हैं दोस्तों? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये हाइब्रिड बीज थे इनके लिए ज़्यादा पानी लगता था, जबकि जो पारंपरिक बीज थे वहाँ पे कम पानी लगता था, वहाँ पे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं था, खाद से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, ये सब भी होती थी, तो आपको एक्सपेंस भी ज़्यादा करने पड़ते थे, तब जाके आपको लाभ ज़्यादा मिलता था, ठीक है। याद रखिए, भारत में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब पालनपुर के आसपास, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। किसने? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग भी किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिससे जुताई, कटाई, बुआई सब का सब काम होने लगा। उन्हें
इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त होने लगी। बताऊं कितना ज़्यादा? पालमपुर में अगर परंपरागत बीजों से गेहूं की 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर उनको मिलता था, मतलब 100 मीटर वर्ग के क्षेत्र में, मतलब एक हेक्टेयर में अगर उनको कितना मिलता था, 1300 किलोग्राम मिलता था, तो HYV बीजों के इस्तेमाल से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन होने लगा। तो देख रहे हो, 13 × 26 दुगुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना की वृद्धि हो गई लोगों के उत्पादन में। 2.5 गुना परसेंटेज नहीं दोस्तों, 2.5 गुना की वृद्धि हो गई, 250%, ठीक है, 2.5 गुना की वृद्धि हो गई। याद रखिए, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किसानों के पास बाज़ार में बेचने के लिए अब अधिक मात्रा में अधिशेष बचे थे। मतलब कि जो किसान खाते थे, जैसे मान लीजिए जब 1300 था तो मान लो किसानों ने क्या किया कि 500 किलो गेहूँ अपने पास रख दिया, या चलो 700 किलो गेहूँ अपने पास रख दिया, ठीक है, और बाकी का 600 क्या हुआ, ठीक है, बाकी का 600 किलो मार्केट में बेच दिया। तो आज जब 32 किलो उनके पास हो रहा है तो भी वो 700 किलो गेहूँ अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं कि अब ज़्यादा खाने लगेंगे, और बेचेंगे कितना, बेचेंगे 2500 किलो। बताइए, शुरुआत में 600 किलो बेच रहे थे, अभी 2500 किलो बेच रहे हैं, तो 6×24, मतलब उनके इनकम में 4 गुना की वृद्धि हो गई, ठीक है, उनके इनकम कितनी बढ़ गई, पहले से 4 गुना की वृद्धि हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखा गया दोस्तों। बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप समझ रहे होंगे। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन में को करोड़ टन की इकाइयों में दर्शाया गया है। इसे देखिए दोस्तों, 1965 की बात बता रहा हूँ, मतलब हरित क्रांति आ चुका है। देखिए, दाल जो जहाँ पे 10 है, गेहूं भी 10 है। 70-71 में क्या हुआ, दाल 12 हुआ लेकिन गेहूं 24 हो गया। 81 में क्या हुआ, ये 11 हुआ, ये 36 हो गया। मतलब जो दलहनी फसल थी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, दलहनी फसलों पर हरित क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। किस पे ज़्यादा पड़ा था, तो गेहूं चावल इन सब पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ये सब प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, किस पर कम प्रभाव पड़ा, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। भाई, उनको जो हाइब्रिड बीज खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, रासायनिक खाद खरीदना है, उसके लिए जो पैसे चाहिए वही क्या आपका कार्यशील पूंजी है। पहले की तुलना में किसानों को कृषि आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ यार, पहले कहाँ था, पहले घर से गोबर मिल जाता था तो रासायनिक खाद कीटनाशक ये सब नहीं चाहिए थे, बेंगा घर से ही मिल जाता था, मतलब कुछ नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब कि नन कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंचाई के लिए जो खर्च होता था, अगर वो भी नहर में पानी आ गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्री में काम हो जाता था। लेकिन अभी बढ़ गया सर काम। सुझाई गई क्रियाएं, खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात करने पर यह मालूम हुआ कीजिए कि आधुनिक या परंपरागत खेती या, अच्छा दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे अब क्या है, खाली क्वेश्चन दिया, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, क्या धारण करने की बात कर रहा है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि का है एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का आधार अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। कुछ फायदा हुआ तो कुछ नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना, हरित क्रांति में तो आ तो गया हरित क्रांति, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, और जो हम इतना उर्वरक का इस्तेमाल कर लेते, क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ा, और इससे क्या हुआ, मिट्टी की जो उर्वरकता थी, जो उसका उपजाऊपन था, वो धीरे धीरे छीड़ होने लगा। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम होता गया। दोस्तों, हमने नलकूपों से क्या किया, फटाफट सिंचाई करते गए तो जो भौम जल के जल थे वो सभी क्या हो गए, समाप्त होते चले गए, उनका स्तर क्या हो गया, कम होते चला गया। और जो पानी थे, पानी और जो खेतों में हमने छिड़काव किया था, रासायनिक खाद मिलाया था, वो रिसरिच कर भौम जल में गए तो भौम जल भी दूषित हो गए। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल वैसे तो पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, लेकिन यदि एक बार यह नष्ट हो गया तो उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। एक बार कोई ज़मीन बंजर हो गई तो फिर आप उसको उस पर जो है खेती नहीं कर पाओगे, ठीक है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। कैसे दिखा रहा है, कैसे देखभाल करना चाहिए, तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। अखबारों पत्रिकाओं के पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ऐसा करें। ये देखिए, जो पालमपुर में खेती है उसके जोत के आकार दे रहा है, मतलब दिखा रहा है किसी को इतना छोटा छोटा खेत है, किसी के पास इतना बड़ा खेत है, किसी के पास इतना बड़ा है, किसी के पास इतना बड़ा है, किसी के पास इतना बड़ा है, तो मतलब इसका आकार दिखा रहा है। इसी तरह के जोत होते हैं, खेत हमारे इसी तरह होते हैं। आगे देखिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और है।
रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को दूषित कर देते हैं। कौन? वही रासायनिक उर्वरक जिसको हम छिड़काव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और जो सूक्ष्म एवं हैं अवयव हैं एलिमेंट हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह पाएगी, ठीक है। तो ये तो हम जान ही गए हैं। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है? पंजाब करता है। तो इस मामले में पंजाब ही भोगेगा सबसे पहले। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को भी घटा दिया है, उसका उपजाऊपन घटा दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि और खाद डालेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा, और डालेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा, और इसी चक्कर में क्या है, वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। अन्न आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से खेती की लागत बढ़ रही है, ठीक है। ये चंडीगढ़ की हालत है, पंजाब की हालत। नीचे बता रहा पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो अभी ऊपर हमने एक इमेज में देखा, आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे हुए सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में जो 450 घर थे, मैंने पहले ही बताया था कि उसमें 80 परिवारों के पास ज़्यादा खेती है और बाकी के पास कम है। तो उसी को बता रहा है कि लगभग एक तिहाई यानी 150 परिवारों के पास खेती करने के लिए भूमि ही नहीं है। तो जब भूमि नहीं है तो वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, और इन भूमि नहीं है जिसके पास उनमें से अधिकांशता क्या है, दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है वो 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल की भूमि है, यानी छोटी छोटी भूमि है, ठीक है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। इतने छोटे छोटे खेती करेंगे यार, मान लो अगर वो 500 किलो उगाएं तो 500 किलो तो उनके घर का ही खर्च है, या मान लो उनके घर का खर्च 800 किलो है, तो इस 500 किलो में क्या कर लेंगे। अगर खेत ही बड़ा नहीं है तो उत्पादन कैसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1960 में एक कृषक की बात बता रहा है गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह सके थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस होने से कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बांट दी गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर की भूमि ही बची थी। बताइए भूमि छोटी हो गई कि नहीं, भूमि छोटा हो गया कि नहीं। आज यही हो रहा है, भूमि के जोत दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से कुछ गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, शहरीकरण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। मतलब गाँव को छोड़ करके लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं ताकि उनको कार्य मिल जाए और वे कार्य कर सकें, कुछ आजीविका आ सके और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, क्योंकि खेती के भरोसे उनका काम अब नहीं चल रहा है। आगे बता रहा है कि आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं, छोटे किसान। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट भी हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। तो हम देख रहे हैं जो दोस्तों, ये भूमि का वितरण जो है ये असमान है, और यही तो हमको सिखाया जाता है कि पूरे पृथ्वी पर चाहे किसी भी देश की बात कर लो, वहाँ पे भूमि का वितरण क्या है, असमान है। तो चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। आइए चर्चा करें, चर्चा आप कर लीजिएगा खुद से। ये कंडीशन दे रहा है कृषि क्षेत्र के बारे में, कह रहा है जो छोटे किसान हैं दोस्तों, ये देखिए छोटे कृषक के बारे में बता रहा है और उनके पास जो क्षेत्र हैं उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये बात आती है दोस्तों कि किसानों के पास ज़्यादा भूमि नहीं है, बहुत लिमिटेड है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है। आगे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आइए चर्चा करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है। बिल्कुल, ये तो हमें देखकर एकदम पता ही चल गया कि पालमपुर में जो भूमि है वहाँ पर कृषि का वितरण क्या है, कृषि भूमि का वितरण असमान है, सबके पास एक बराबर नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, बात चलो अब हमने काफ़ी बातें कर लिया जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात जो श्रम है वो उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है,
छोटे किसान अपने परिवार के साथ खेतों में अपने खेतों में स्वयं भी काम करते हैं और अपने परिवार को लेकर भी काम करते हैं। इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। लेकिन जो मझोले किसान हैं या जो बड़े किसान हैं, इनके घर में कैसे खेती होगी? यानी जिसके पास 20 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि थी, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि थी, वो लोग क्या करेंगे? क्या वो भी खुद से करेंगे? नहीं। जो मझोले किसान हैं और जो बड़े किसान हैं, ये अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लेके आते हैं। गाँव में होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिया पे दे दिया गया है। ठीक है, तो अधिया पे तो किसानों को दे दिया जाता है कि आप खेती करो, इतना हमको दे देना, आधा दे देना, या उनसे क्या किया जाता है, बटाई पर दे दिया जाता है, या उनसे क्या कहते हैं, पैसे पे काम कराया जाता है कि आप हमारा खेत बो दो, जोत दो, आपको इतना रुपया दे देंगे। ये चीज़ें होती है। आइए चर्चा करें कि खेतों में किए जाने वाले कार्यों को पहचानिए। अच्छा, ऊपर दिया था, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। भाई कौन करेगा? जिनके घर परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था, जिनको काम की ज़रूरत थी, वो आएंगे किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम करेंगे। ठीक है, जो बड़े किसान थे उनके यहाँ काम करेंगे। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। जब दोस्तों वो किसी के खेत पर काम करते हैं तो वो कितना फसल उगाते हैं, इनमें उनका कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होना चाहिए, बल्कि उन किसानों द्वारा मजदूरी दी जाती है, उनको मजदूरी पे काम कराया जाता है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद हो सकती है या वस्तु के रूप में हो सकती है, अनाज के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि किसी बड़े किसान ने क्या किया, किसी दो चार श्रमिकों को हायर कर लिया, उनको दैनिक मजदूरी पर हायर कर लिया कि रोज़ हम तुमको 100 रुपया देंगे, रोज़ हम तुमको 80 रुपया देंगे, रोज़ 150 रुपया देंगे, इस पर हायर कर लिए काम करवा रहा है। दूसरा तरीका होता है कि तुम मेरे पूरे खेत की कटाई कर दो, जितना खेत देख रहे हो और कितना चाहिए एक साथ बता दो, 10,000 5,000 6,000 20,000 कितना चाहिए वो बता दो, या पूरे साल के लिए काम पर रख दिया कि देखो तुमको साल में हम इतना देंगे, हमारे यहाँ काम करो। तो कई सारे तरीके होते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन कृषक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास भूमि ही नहीं है, वो बताओ वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? तो सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का जो न्यूनतम वेतन बताया गया था 2011 के अनुसार, ये 115 था। दोस्तों मैं देखना भूल गया कि 2018 में ये न्यूनतम वेतन कितना है, एक बार आप देख के बताइएगा। ठीक, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी था। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे बता रहा है कि निर्धारित था दोस्तों तो 150 रुपये निर्धारित था, 115 रुपये। ठीक है, 115 यहाँ पर निर्धारित था, अभी तो हमको लगता है 200 पार कर गया। ठीक है, 115, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। निर्धारित है 115 रुपये, लेकिन डाला को मिल कितना रहा है, 80 रुपये। कितने का लाश डाला सह रहा है? डाला जो है 35 रुपये का लाश सह रहा है। पालमपुर में खेतिहर किसानों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा, मतलब काम करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं तो अपना उसका फ़ायदा उठा रहा है, जो मालिक है वो फ़ायदा उठा रहा है कि ठीक है तुम नहीं काम करोगे, 80 में काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, हम दूसरे को ले लेंगे, क्या समझ रहे हो, तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने से सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धन व्यक्तियों में से एक है। दोस्तों इनके संवाद को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए डाला और ये इनके दोनों के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है इससे कि आजकल काम कितना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। ठीक है, जब उनको काम पड़ेगा तो रखेंगे। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। अब हार्वेस्टर आ गया तो किसानों को रखने की ज़रूरत क्या है? जो किसानों को थोड़ा बहुत इनकम मिल जा रही थी, चलो 80 मिल गया, चलो 100 ही मिल गया, अब वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने हार्वेस्टर खरीद लिया है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था। तो सरकार भी इसके बारे में सोचती है लेकिन ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गहराई के लिए थ्रेसर, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए भी किसान को खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
ये कह रही कि मुझे लगता है कि इस वर्ष रायगंज में जो ईंट भट्टा है वहाँ पर काम करने की तलाश करनी पड़ेगी काम की, ताकि हमको वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो साहूकार के पास क्या आ गया है, अब तो जो बड़ा किसान था उसके पास हार्वेस्टर आ गया, हमको काम तो मिलेगा नहीं, हमको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। इधर ये बता रहा है कि मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं, मैंने पिछली गर्मियों में उससे 1,000 रुपया लिया था। देख रहे हो, 1,000 रुपया लिया था, 2,000 देना है, ब्याज हो गया, जितना पैसा उससे ज़्यादा ब्याज हो गया। जब खेतों में काम नहीं था तो मैंने इसे चुका मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा, मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। ठीक है, फिर इसने कहा कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे इस बार तो कर्ज देने से ही मना कर दिया है। ठीक है, तो गाँव की दोस्तों ये कंडीशन है, आज भी ये कंडीशन देखा जाता है। ठीक है, आइए डाला और रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ बता रहे हैं आपको। देखो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बेस बनाओ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अगर आप बेस नहीं बनाओगे तो आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा समय दो, आप कम से कम 4-5 दिन का समय दो इकोनॉमिक्स को, फिर डिसाइड करना कि इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2-4 दिन तो समय दो यार। ठीक है, अभी ये कोई मैजिशियन तो है नहीं आपके सामने तुरंत जादू करके दिखा दे, जादू लो याद हो गया तुमको, ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ा समय दो। गोसाईपुर और मझौली, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के दो गांव हैं, गोसाईपुर और मझौली। दोनों गांव की कुल आबादी 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये काम करने क्यों जा रहे हैं? इनके यहाँ खेती तो है लेकिन खेती से इनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए काम करने जा रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिक संख्या में भारतीय गाँव में होता है। ठीक है, अधिसंख्या भारतीय गाँव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझोली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे, वहाँ जाके वो क्या करते होंगे? तो कोई गेटकीपर होगा, कोई एटीएम के सामने कुर्सी लगा के बैठा होगा, कोई किचन साफ कर रहा होगा, कोई किसी होटल में लगा होगा, कोई ऑटो चला रहा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा। इसी तरह के काम जाके शहरों में करेंगे, क्योंकि वो क्या है, नॉन स्किल्ड लोग हैं, और नॉन स्किल्ड होने की वजह से उनको शहरों में किसी अच्छे जगह पे नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि पढ़ लो लिख लो। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसी स्थिति आपको नहीं झेलना पड़ेगा। खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी होती है, तो लेबर की बात रही, पूंजी के बारे में भी देख लेते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, अधिसंख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज ले लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज बहुत ऊंची दर से मिलता है उनको, इसलिए तो दोस्तों सरकार ने नाबार्ड बनाया, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड बनाया ताकि किसानों को जो है ऋण मुहैया कराया जा सके। तो नाबार्ड के द्वारा, तमाम बैंकों के द्वारा सरकार जो है ऋण मुहैया करा रही कि वे साहूकारों के चुंगल से अपने आप को निकाल सके। लेकिन इन सब का प्रोसीजर इतना ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोन लेने में टिटिमा इतना ज़्यादा होता है कि लोग सोचते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा है तो हम साहूकार के पास ही जाके लोन ले लें। तो सरकार को अपनी नीतियों को बिल्कुल लचीला बनाना होगा ताकि सबको तुरंत त्वरित लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी दे रहा आपके सामने। सविता एक लघु कृषक है, वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेतों की औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है कि मैं उसे कर्ज लूँगी, खेती करूँगी, खेती के बाद उसके पैसे उसे चुका दूँगी। तेजपाल सिंह सविता की 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देता है। सोच रहे हो आप, 24% की दर पर। अब गाँव वाले यहाँ पर बेवकूफ़ी करते दोस्तों कि उनको ये पता नहीं, उनको लगता है कि बस कितना है, एक अभी फसल बोया, 4 महीने में तो कट जाएगा, तुरंत हम इनको वापस कर देंगे।
लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है दोस्तों। इन चीज़ों पर जो है सरकार को एक टीम बना के लोगों को बताया जाना चाहिए कि किसानों को कि यार आप इस तरह का काम मत करो, इससे आपकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होगी, आपकी जीवन शैली प्रभावित होगी, आप साहूकारों को इतना ब्याज नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है, नहीं दे पाओगे। और इसके अलावा साहूकारों पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए कि कोई साहूकार अगर इस तरह का कार्य किया जाए तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि अगर आपके पास पैसा है, आप किसानों को कर्ज देना चाह रहे हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं दो, लेकिन उसके लिए जो ब्याज हो वो बैंक का जो ब्याज दर है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हो, 4 महीने का ब्याज लगा रहे हैं, कई बार तो क्या करते हैं मंथली ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं। अब किसानों को क्या पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखो। तो अब सविता करती क्या है कि कर्ज ले लेती है, और जो तेजपाल सिंह है वो भी कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है 24% पे कर्ज मिल जाता है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपया प्रतिदिन पर काम करेगी। अरे भैया, लोन भी ले रही है खाली 3,000 रुपया, वो भी 24% ब्याज की दर से, और ऊपर से कटाई के मौसम में तेजपाल सिंह के खेतों में एक लेबर के रूप में काम करेगी, वो भी कितने रुपए पे, 35 रुपया प्रतिदिन पे। ये शोषण होता है, इसी को शोषण कहते हैं। यही क्या है, यही किसानों का शोषण है, तभी आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, यही शोषण है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में एक श्रमिक की तरह 35 रुपया पे काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामकाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि सविता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सविता अगर अपने खेतों पर फसल नहीं बोएगी तो बताओ अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये कितनी बुरी स्थिति है, सोचिए। तो ये पता है, ये तो एक छोटी सी कहानी दे रहा है, हमारे देश में हजारों लाखों करोड़ों किसान इस तरह से दोस्तों मर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें उनको फेस करना पड़ रहा है। इस पे दोस्तों सोचना पड़ेगा, खाली सबकी तरह चिल्लाना नहीं पड़ेगा हम किसानों के बारे में सोचेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमें वाकई वास्तविक रूप में आकर समाज की सेवा करनी पड़ेगी, समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं बुराइयाँ, उन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। और जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक, और जब तक कोई NCERT में क्लास 9 का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा तब तक उसको इस समस्या के बारे में जानकारी कैसे होगी, बताइए। आप ही पढ़ रहे हो, आप बताओ कितनी आम जानकारी थी कभी इस तरह की, खाली सुन लेते हो यूट्यूब पर ऐसे वैसे, हाँ किसान आत्महत्या कर लिया, मर गए होंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग मर रहे हैं, एक ठोर आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या, अरे उसकी गरीबी समझो, उसकी गरीबी समझो दोस्तों। आप कभी भी दोस्तों ऑफिसर बनना, कहीं भी रहना, ईमानदारी के साथ रहना, मेहनत के साथ रहना, ठीक है, और कम से कम ऐसे लोगों को एक बार उठने का मौका देना, ठीक है, साथ जरूर देना। देखिए सविता इन कठोर शर्तों को मान जाती है, तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों की को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी में हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने उत्पादन के 3 कारकों के बारे में सीखा, भूमि, श्रम और पूंजी, यानी लैंड, लेबर और कैपिटल, तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप खुद ही करिएगा, ठीक है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, बस थोड़ी सी दोस्तों और बात करूंगा मैं यहाँ पे, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, ये क्या होता है, मतलब कि जो आपके पास एक्स्ट्रा बच गया उसको आप बेच दो। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया, मान लीजिए गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है, किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं अपने पास स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं, और अधिशेष जो एक्स्ट्रा गेहूं बच जाता है उसको बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष बचता है, बेचने के लिए कितना बचता है, बहुत कम। तो जब दोस्तों बहुत कम बचेगा तो बताओ जो ब्याज लिए हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं कि ब्याज कर रहा हूं, जो उधार लिए हैं, लोन लिए हैं, उसका पेमेंट वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाज़ार में गेहूं की पूर्ति कर पाते हैं, छोटे किसान बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं।
आप गेहूं में गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। वे अपने अतिरिक्त गेहूँ को रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया। दोस्तों, उस साहूकार के बारे में बता रहा है, उसने अधिकांश पैसा अपने बैंक खाते में जमा कर दिया। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। बात समझ में आ रहा है? कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने के लिए करते हैं अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि इन सब को गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। ठीक है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं? हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही उत्पादन की क्रिया है, और अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादनों पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। 25% लोग ऐसे हैं जो अन्य कार्य करते हैं, जैसे डेयरी। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। डेयरी मतलब दूध, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। लोग अपनी भैंसों को कई तरह के घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा यानी चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव जैसे रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला है, जहाँ पर डेयरी केंद्र, ठीक है, जहाँ पर दूध को स्टोर करके रखा जाता है और उसे फिर उसको शीतल किया जाता है, ठीक है, लंबे समय तक रखने के लिए, ठीक है, जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों से और कस्बों में भेज दिया जाता है। तो आइए चर्चा करें दोस्तों। चर्चा बहुत हो चुकी और आगे सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर उपभोग वगैरह के बारे में दे रहा है, तो ये यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद बता रहा दोस्तों यहाँ पर कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। 50 से कम लोग। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियां में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर भी ले लिया जाता है, ठीक है। मिस्त्री लाल की कहानी दोस्तों, कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, इसके बाद जो आपका समाप्त हो जाएगा। चैप्टर तो बड़ा हो ही गया है, लेकिन देख लो आप। मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है, ठीक है, और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ना को पेरने का काम बैलों से किया जाता था, पर अब लोग इस मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ भी कमा लेता है। तो छोटा सा प्रक्रिया हो गया, ठीक है, ये छोटे छोटे तरीकों से। करीम की कहानी बता रहा है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्याओं में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया और कंप्यूटर सीखना प्रारंभ कर दिया। आइए चर्चा करें कि मिश्री लाल को गुड़ बनाने के लिए उत्पादन इकाई में कितनी पूंजी का आवश्यकता थी। तो ये सारा आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। और देखते हैं नीचे। पालमपुर में दुकानदार, क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ। पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं, ठीक है। आप देखेंगे गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है और खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। और जब भी बस आके वहाँ रुकती है तो वो लोग भी आके वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, ठीक है।
इसके बाद बता रहा है परिवहन तेजी से विकसित होता है क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, ठीक है, मोटर गाड़ी और भी कई तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें किराया मिलता है, पैसे मिलता है। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। एक किशोर की कहानी दे रहा है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था। देखो आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो यह सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है, ठीक है, अब वह भैंस का दूध बेचता है और अब उसे अपनी भैंसा गाड़ी भी बना लिया है। भैंसा जो हुआ था उसे भैंसा गाड़ी बना लिया है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वह गुड़ या अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है तो उससे उसको किराया भी मिल जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है, ठीक है। तो अगर सरकार से लिया जाता है लोन वगैरह तो देखो कितना आसान रहता है, ठीक है, और अगर आप किसी साहूकार से लेंगे तो फिर जीवन क्या होगा, नरक बन जाएगा। अब यहाँ पे सारांश दे रहा है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी का सारांश दे रहा है, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं आपको पढ़ाई दिया हूँ और यहीं पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए सारांश भी पढ़ ही लेते हैं, सारांश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बता रहा है सारांश में कि गांव की खेती मुख्य उत्पाद गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी है और दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। जो मझले और बड़े किसान थे अपने उत्पादन से हुई बचत अगले मौसम में इस्तेमाल करते हैं, जबकि छोटे किसान क्या करते हैं, उनको ब्याज भरने में ही उनकी ज़िंदगी कट जाती है। तो भारत के किसानों की कुल संख्या का 80% भाग क्या है, छोटे किसान है, ठीक है। पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है उनके लिए। उनके भूखंड का आकार भी छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे छोटे किसानों को अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में भी काम करना पड़ता है। घर के जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है और उनको कहाँ भेज दिया जाता है, काम करने के लिए, जाओ काम करो, पैसा कमाओ, घर पे भेजो, ठीक है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में किसका श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गाँवों, शहरों, कस्बों में जा रहे हैं, जिसको पलायन बोलते हैं। कुछ श्रमिकों ने गाँव में ही गैर कृषि क्षेत्र कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस समय गाँव में गैर कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि गाँव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। अभी हमने पर्याप्त चीज़ें देखें तो दोस्तों आज के लिए पर्याप्त पढ़ चुके हैं। अब वही चीज़ों का रिवाइज कर रहा है, सारांश में कुछ नया नहीं है। वही कोई ले जाके दूध बेचेगा, कोई विनिर्माण लगेगा, कोई जो है गन्ना पेर कर उसका गुड़ बनाएगा, कोई बैलगाड़ी चलाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर मिला, उत्पादन का एक फैक्टर मिला। दोस्तों आप घबराइए मत। देखिए अभी एनसीईआरटी में आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो। अब आप ये सोचो ना, आप ये मत सोचो कि आज आप पढ़ रहे हो, आप सोचो कि अभी आप कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में आए हो, पहली बार एक नई चिड़िया का नाम सुन रहे हो जिसका नाम इकोनॉमी है, जिसका नाम अर्थव्यवस्था है। तो इस अर्थव्यवस्था को पढ़ने और समझने में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो 2-4 दिन आप रुको, फिर देखो कमाल इसका। और हमको पता है कि आपको आता नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि जुलाई समाप्त होते होते तक आप एक्सपर्ट बन जाओगे, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट जाओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जहां खड़े हो ना यहीं खड़े रहोगे। आज जहां खड़े हो आज से 15 दिन बाद आप यहीं खड़े रहोगे। आपको पढ़ना तो पड़ेगा एनसीईआरटी, चाहे आप आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो। तो मैं एकदम सीना ठोंक के बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका गुजारा नहीं होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हाँ, अगर आपके वीडियो पर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको स्किप मत करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, उसको स्किप मत करिएगा। और अगर आपको जीएस पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। इसका नाम है एग्जाम ट्रेंड्स, ठीक है। आजकल यार आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्या बात है।
बहुत एक्सपर्ट हो गए हो क्या, कि बहुत तेज हो गए हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी एग्जाम में बैठेंगे तो टॉप कर जाएंगे इसलिए नहीं पढ़ रहे हो? तो पढ़ो आके यार, चैनल पे विजिट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपके लिए कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, 24 घंटा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, 24 घंटा नहीं, 6-7 घंटा सोते भी हैं, तो उनको निकाल करके बाकी 15 घंटा जो खर्च हो रहा है आपके ऊपर, उसका सदुपयोग करो मेरे भाई, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करो, ताकि चैनल आगे बढ़े और लोगों की सेवा में जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको और अच्छे से कर सकें, ठीक है? तो इसमें आपके सहयोग बहुत ज़रूरी है। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों हमारा एक नया चैनल है 4G मैथ्स, ठीक है? तो आप यहाँ पर आइए और मैथ रीजनिंग बेहतरीन ढंग से यहाँ पढ़ाई जा रही है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी जो लोग नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में चले आएँ, और वहाँ पर उनके पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें दी गई हैं, तो अगर एक बार आप घुस गए तो उस दलदल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि स्टडी 91 का चस्का एक बार जिसको लग गया वो छूटता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।